गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और हमारी जो 1000 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के क्वेश्चंस की कड़ी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कड़ी है, उसमें ये अगला वीडियो यानी पांचवा वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। यूनिट टू की हम बात कर रहे हैं इस समय, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से जाके एड्यूथाला ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट टू का ये जो PDF है ये ऑफकोर्स एप्लीकेशन पर भी मौजूद है, ग्रुप पर भी मौजूद है। इसके अलावा 30 क्वेश्चंस जो इसमें हैं वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। पिछले वाले जो हमारे वीडियोस निकले हैं उसमें हम 30 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 31st क्वेश्चन से जो हैं हम लोग अब अपना वीडियो जो है शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो था उसमें एक अच्छा सवाल पूछा गया था कि क्या पसीना बहने से हमारे शरीर के अंदर मौजूद पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स खर्च होते हैं। तो हाँ, इसका जवाब बिल्कुल यस था कि अगर हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें पसीना ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे केस में ये बात क्लियर है कि हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका लॉस हो रहा है, चाहे वो प्रोटीन क्यों ना हो, चाहे वो विटामिन्स क्यों ना हो, और स्पेशली मिनरल्स जो खनिज पदार्थ हैं जैसे मैंगनीज है, उसका अच्छी खासी मात्रा में जो है, पोटेशियम हो गया, वो अच्छी खासी मात्रा में हमारी बॉडी में से कम होते हैं स्वेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। पोटेशियम इज अ मिनरल विच हेल्प्स इन, देखिए ये एक सवाल है, पोटेशियम एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। पहला सवाल यहां बनता है कि क्या पोटेशियम एक खनिज पदार्थ है या विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट। तो भाई पोटेशियम क्या है? पोटेशियम एक प्रकार का मिनरल है, खनिज पदार्थ है। जो पोटेशियम होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है? एसिड बैलेंस का करता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करता है। पाचन तंत्र में मदद करता है? नहीं बिल्कुल नहीं करता है। वो न्यूरो ट्रांसमिशन का काम करता है। इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो न्यूरो ट्रांसमिशन से मतलब है कि जो हमारे माइंड जो है हमारी बॉडी को सिग्नल भेज रहा है, या हमारा माइंड जो है जो वेव्स भेजता है हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों को, हमारे बात करने से लेके हमारे सोचने तक की प्रक्रिया को, वो सारी प्रभावित हो जाती है अगर आपके शरीर में पोटेशियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो। तो भाई पोटेशियम क्या करता है? न्यूरो ट्रांसमिशन। न्यूरो क्या है? न्यूरो मतलब जो हमारी जो वेव्स हैं, जो हमारे माइंड से जो हमारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं पूरी बॉडी के लिए, वो मतलब है न्यूरोलॉजी से, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। न्यूरो ट्रांसमिशन जो है उसके लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार है? पोटेशियम है। पहला सवाल न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, यानी हमारे मेंटल जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो पल्सेज हैं, उसके जो मैसेज जो शरीर को जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम जिम्मेदार है। पोटेशियम एक मिनरल है और ये किस में हेल्प करता है? न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट गूगल क्रोम खोल लेते हैं। क्यों खोल लेते हैं? कि न्यूरो ट्रांसमिशन जैसा जो शब्द है इसकी हिंदी देखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे मुझे लगता है कि बहुत टिपिकल सी हिंदी इसकी होनी चाहिए, बट हम पढ़ लेते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन इन हिंदी क्या हुआ इसका मतलब, देख लेते हैं क्या निकाल के लाता है। देखिए तंत्रिका संचरण, तो आप ये शब्द याद करना चाहें तो ये पढ़ कर ले, आप न्यूरो ट्रांसमिशन करना चाहें तो आप न्यूरो ट्रांसमिशन कर ले, चॉइस इज ऑल योर्स। दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो आपके समक्ष हैं और आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कई बार पूछ चुका हूं, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। आप जानते हैं यूनिट नंबर 2 में हम लोग विभिन्न जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि भाई कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब वो रात्रि की अंधपन, नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी स्पेसिफिक हिंदी भी जो है वो बहुत मुश्किल है, उसको याद करने की जरूरत है। नाइट ब्लाइंडनेस सीधी सीधी ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, तो हमें क्या है? ब्लाइंडनेस आंख से जुड़ी हुई है। आंख से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उसका कारण क्या होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिना क्या होती है? आंख के अंदर मौजूद जो हमारी एक अंग जो कि हमारी नर्व्स की जो हमारी जो मैसेज रिसीव करते हैं उसको इमेजेस में बदलता है। यानी आप जो भी मुझे देख पा रहे हैं उसका कारण क्या है? कि आपका माइंड जो रिसीव कर रहा है उसको रेटिना
इमेज के रूप में, ये फिल्म के रूप में आप देख पा रहे हो। किसकी वजह से देख पा रहे हो? रेटिना की वजह से देख पा रहे हो। रेटिना के लिए क्या जरूरी है? रेटिनॉल। रेटिनॉल कैसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। तो आंख से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं ना, उसका कारण क्या होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है भाई? विटामिन ए है। तो ये हमको याद रख लेना है। फिर से देखो, विटामिन बी आ गया। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सॉरी, यहाँ शेयर नहीं किया, नीचे कहीं शेयर किया होगा, नहीं तो मैं अलग से शेयर कर दूंगा आप लोग के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, विटामिन बी में ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह के विटामिन बी होते हैं, एक विटामिन ए होता है, विटामिन सी, डी, ई, के। इस तरीके से टोटल हमारे पास हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तरह के विटामिन हो गए, उसमें से 8 तरह के विटामिन बी हो गए। बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पानी में घुलनशील ये होते हैं सारे, बी वाले और सी वाले। सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। बी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन, यानी जो धूप से प्राप्त हमको होता है। बेरी बेरी डिसीज जो है वो किसकी कमी से होता है? बिल्कुल याद कर लेना, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी में भी विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थायामाइन कहते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ लीजिए, फिर आपको ये जो नीचे मैंने शेयर किया है ना, आप इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिए। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी थायामाइन कहते हैं, इससे बेरी बेरी होता है। विटामिन बी को रिबोफ्लेविन कहते हैं। इसी तरह B7 को बायोटिन कहते हैं, बालों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, बहुत जरूरी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट ना मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ में कंबाइल कर दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के नीचे देखिए, बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी होता है। बेरी बेरी भी दो तरह की होती है, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। तो जो वेट बेरी बेरी होती है वो दिल को भी, दिल के ऊपर भी प्रभाव डालती है। वहीं जो ड्राई बेरी बेरी होती है वो हमारा तंत्र जो है, नर्व्स का जो तंत्र है उसके ऊपर असर डालती है, और इससे पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालाइज हो गया आदमी, अब कुछ नहीं कर रहा है। अल्कोहल जो है इसका एक बड़ा कारण है भारत के अंदर। यहां से देखिए कई सारे सवाल आपको मिल जाते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। डायबिटीज इज कॉज यू टू डिसफंक्शन ऑफ, देखो ये ध्यान रखना है, डायबिटीज जो एक बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया एक बड़ी आम बीमारी है, वैसे डायबिटीज जो है भारत में बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। डायबिटीज में होता क्या है आपको समझना है। डायबिटीज में हमारे शरीर में जो शुगर है, कहते हैं आदमी की शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ना क्या होता है? डायबिटीज की बीमारी होता है। बढ़ना या घटना भी शुगर की बीमारी होता है, उसमें क्या होता है? हमारा कौन सा अंग गलत काम करना शुरू करता है, सही से काम नहीं करता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। तो पैनक्रियास जो है वो हमारा जब डिसफंक्शन कर जाता है तो क्या होता है, हम लोग डायबिटीज की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। पैनक्रियास के डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि पैनक्रियास शरीर में एक हार्मोन को छोड़ता है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। जैसे आपके शरीर में दिल जो है वो धड़क के आपके शरीर को खून सप्लाई करने का काम करता है, वैसे ही पेनक्रियाज जो है आपके शरीर के अंदर क्या काम करता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है उसको रिलीज करता है। उससे क्या होता है, शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहती है, शुगर की बीमारी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, पेनक्रियाज गड़बड़ करता है तो आपके जो इंसुलिन हार्मोन है उसको वो कभी रिलीज नहीं करता है, या कम रिलीज करता है, ज्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। शुभम, शुगर की बीमारी दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ये सारे क्वेश्चन देखो इसी में से निकल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की शुगर की बीमारी होती है, भाई टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार की होती है। टाइप 1 क्या होती है? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या है, आपको आपके फादर से लगी, आपके फादर को उनकी मदर से लगी, मतलब जो खानदान में चली आ रही है वो हो गई जेनेटिक वाली। और एक होती है डाइट रिलेटेड, मतलब आपने इतना घटिया खाना खाया अपने जीवन के अंदर, चाउमीन से लेकर मोमोज तक इतना ज्यादा खा डाला, और आपने उसको पचाने के लिए पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करी या उसको मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया, तो आपके शरीर में क्या हुआ, टाइप 2। यानी ऐसी डायबिटीज जो आपको खुद से हुई है, आपके माता पिता किसी से आपको मिली नहीं है विरासत में। तो टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज निकालता है, पैनक्रियाज गड़बड़ हो जाता है डायबिटीज होती है। डायबिटीज हमारी दो तरह की होती है। डायबिटीज में क्या होता है, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इतने सवाल तो हम केवल एक ही क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये जो दो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट, अगर ये अधिक मात्रा में हम लोग सेवन करते हैं इनका खाने में, तो डायबिटीज का, दिल की बीमारी का, और इसके साथ साथ मोटापे का, ऐसी चीजों का खतरा जो है बढ़ जाता है।
विटामिन कौन सा ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग, ये मैंने पहले ही पढ़ाया, खून का थक्का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई विटामिन के है। जो नीचे मैंने चार्ट दिया है ना, जब आप उसको चार्ट तक पहुंचोगे तो यहां भी लिखा है, देखो विटामिन के जो है वो हमारा ब्लीडिंग डायथेसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कमी हो जाएगी तो आपको ब्लीडिंग थायसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। विटामिन के जो है वो अनिवार्य है बहुत ज्यादा बॉडी में। केमिकल नेम कुछ यहाँ नोट कर दें, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को, वैसे तो अब ये नीचे भी आ गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से पढ़ने की इस वाले पार्ट को जरूरत नहीं है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें डिप्रेशन हो सकता है और हमें मेमोरी लॉस यानी हमें भूलने की आदत पड़ सकती है। बायोटिन कौन से विटामिन को कहते हैं, ये हम यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं, एक रिपीटिशन चल रहा है इसलिए क्योंकि माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो यूनिट 2 है हमारा उसमें स्पेसिफिकली ये हमको पढ़ना है। तो विच विटामिन इज नोन एज बायोटिन, तो भाई बायोटिन कहते हैं विटामिन B7 को, इनके नाम आपको एकदम याद कर लेने, नीचे चार्ट दे रखा है इसी काम के लिए दे रखा है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई बादाम से मिल जाता है, बी में 8 तरह के विटामिन बी होते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं, B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये इतनी सारी चीजें तो मुझे याद हो गई आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको भी एकदम याद रखने की जरूरत है। फ्रूट्स फल जो होते हैं वो किस चीज का बेहतरीन स्रोत है, एक्सेलेंट सोर्स है भाई, वो किसके हैं, विटामिन और मिनरल दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं, फलों से, विटामिन्स और मिनरल्स दोनों भरपूर प्रचुर मात्रा में हम लोग को प्राप्त होते हैं। स्कर्वी, स्कर्वी की बीमारी किस विटामिन की लैक से होती है, भाई स्कर्वी क्यों होगा आपको, विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, फिर देखो नीचे चार्ट की तरफ चलते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी डेफिशिएंसी क्या होगा, स्कर्वी आपको होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आते हैं स्पाइनेच, पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था भाई स्पाइनेच क्या होता है, पालक, पालक की किस चीज का अच्छा, पालक से हमको आयरन मिलता है, आयरन भी एक खनिज पदार्थ है, मिनरल जो हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छा हमारे शरीर में लौह की प्राप्ति किससे होती है, पालक से होती है। शुगर जो दूध से मिलता है उसको लैक्टोज कहते हैं। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए बेनिफिशियल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आपके पास ये क्वेश्चन लौट के आ रहा है, इसका मतलब पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं कि आयरन किस लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए फायदेमंद है हमारे शरीर में आयरन लेना, अनार में भी देखो आयरन मिलता है हमको, अनार जो फ्रूट होता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन की वजह से ही ये हीमोग्लोबिन जो है हमारा बेहतर हो जाता है, ठीक है, इसको हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया है। कैरेटिन, कैरेटिन क्या है, मिनरल है, विटामिन है, प्रोटीन है, ग्लूकोस है, तो कैरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों, इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। हमारे जो बाल हैं और हमारे जो नाखून हैं ये किसके बने होते हैं, कैरेटिन इसके अंदर पाया जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे से नाई के पास जाएं, कौन से वाले नाई, मॉडर्न वाले नाई, जावीद हबीब और ये सब जो बड़ी बड़ी ब्रांड चलती है ना, अगर किसी ऐसे आप नाई के पास जाते हैं तो कैरेटिन ट्रीटमेंट करता है वो आपका। कैरेटिन ट्रीटमेंट क्या होता है कि बालों की जो बालों का बिल्डिंग फाइबर है ना वो कैरेटिन है, तो कैरेटिन एक प्रोटीन होता है जिससे आपके बाल बनते हैं और आपके नाखून बनते हैं। कैरेटीन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो आपसे पूछ ले कौन सा प्रोटीन हेयर और नेल्स के लिए फायदेमंद है या जरूरी है, उसमें पाया जाता है, तो आप जवाब लगाएंगे कैरेटीन लगाएंगे। कैरेटीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, इस नाम को भूलना नहीं है, ये पेपर में आने के बहुत हाई चांस है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ एक सवाल ये आपके सामने रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैरेटिन में क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अभी कैरेटिन एक प्रोटीन है, इसमें सल्फर, सल्फर की मात्रा अधिक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट जरूरी इसीलिए पढ़ना कि जब हम कैरेटिन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक वर्ड और पढ़ लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है। विल्सन्स डिसीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेस टू एक्यूमुलेट इन योर लिवर ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। देखो हम शरीर में जो खनिज पदार्थों की प्राप्ति करते हैं, आप सोचो वो लोहा है, वो कॉपर है, इस तरह के खनिज पदार्थ जो हैं हम लोग खाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लोहा ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कॉपर, मतलब ये कि पंखा खोला घर में से उसके अंदर उसकी बेंडिंग निकाली, कॉपर का वायर निकला, उसको चबाने लग गए, वैसे वाला कॉपर थोड़ी खा रहे हैं हम लोग, तो खाने में जो नेचुरली खाद्य पदार्थों में मौजूद हैं वो वाला कॉपर ग्रहण कर रहे हैं। तो एक डिसीज होता है जिसका नाम है, डिसीज का मतलब बीमारी, एक बीमारी होती है जिसका नाम है विल्सन्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का पाचन तंत्र कुछ इस तरह से फेल हो जाता है कि जो कॉपर होता है हमारे शरीर का
तांबा, कॉपर मतलब तांबा, देखो ध्यान रखो, फिर तांबा खा नहीं रहे हो, ये नहीं कि तारों में से निकाल करके तांबा खाने लग गए हम लोग, तांबा नहीं खा रहे हैं, जो खाद्य पदार्थों से हमें मिनरल खनिज पदार्थ तांबा प्राप्त हो रहा है वो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं करता है, और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हमारे लिवर में, हमारे ब्रेन में और हमारे अन्य जो ऑर्गन से, अन्य जो हमारे शरीर के ऑर्गन से उसमें जमा होने लगता है। इस डिसीज को क्या नाम दिया गया है, विल्सन डिसीज, ये याद कर लेना। आयरन भी खनिज पदार्थ है, कॉपर भी है, कैल्शियम भी एक खनिज पदार्थ है। कैल्शियम ध्यान है ना, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है कैल्शियम को, ऑल ऑफ दी अब गलत जवाब है। कॉपर अगर हमारे शरीर में जमा होनी शुरू हो गई है तो भैया ये किसका है, विल्सन डिसीज इसका नाम है। कॉपर जमा अगर हमारे शरीर में होने लग गया ना, हमारा शरीर कॉपर पचाने में समर्थ नहीं है, मतलब वैसे नॉर्मली तो है बट इस बीमारी में ऐसी कंडीशन आती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन इज हार्मफुल, देखो ये तो सब सीधी सीधी बात है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो अगर विटामिन भी आप अधिक मात्रा में लेंगे या आप प्रोटीन भी, आपको बॉडी बिल्डिंग करने गए, आपको जिम वाले ने कहा भाई प्रोटीन का पाउडर खाओ, अधिक मात्रा में खाते हैं तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और फिर बॉडी बेकार हो जाती है, तो अधिक मात्रा में कुछ भी लेंगे तो वो नुकसानदेह है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन भी हार्मफुल है, किसी भी चीज का एक्सेस, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं कोई भी चीज, तो सब चीज में आप ट्रू लगा आना, सब चीज में ट्रू लगा के आना, हर चीज का एक्सेसिव इंटेक, एक्सेसिव इंटेक का मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज को खा रहे हैं, चाहे वो विटामिन हो या आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जा रहे हो, तो भैया बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। एक्सेसिव इनटेक कैन लीड टू कंडीशन, अच्छा इसकी बीमारी को नाम भी दिया, अगर आप ज्यादा विटामिन खा लेते हो, आपकी डाइट ऐसी है कि आप ज्यादा विटामिन खा रहे हो खाद्य पदार्थों में, तो आपको हाइपर विटामिनोसिस नाम की जो कंडीशन है, बीमारी है, वो आपको इसका मतलब हो रही है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे भैया विटामिन देयर केमिकल नेम्स एंड डेफिशिएंसी डिसीज, बिल्कुल याद कर लेना, तीन कॉलम नहीं है, कौन कौन से विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम्स, ये तो पेपर में दो चार तो पूछेगा इसमें से, केमिकल नेम क्या है विटामिन के, ये यहाँ पे पूछ रहा है, और उनकी कमी से डेफिशिएंसी डिसीज मतलब कमी वाली बीमारियां, इनकी मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी, यहां लिखा हुआ, देखो ये चार्ट दिया ना, इसमें से कम पांच सवाल तो आपके पेपर में आने ही चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं कि ना आए। तो भैया विटामिन ए से क्या होता है, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और रेटिनॉल उसका नाम है केमिकल, थायामिन, रिबोफ्लेविन, ये हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये मैं पीडीएफ में आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग एक बार चार्ट को देखो अच्छे से, देखो तीन चीजें समझ लो, पहले कॉलम में दिया है कौन सा विटामिन है, दूसरे कॉलम में दिया उसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या है, और तीसरे कॉलम में क्या दिया है कि उसकी कमी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है। विटामिन कितने प्रकार के हैं, गिनती कर लेते हैं, देखो विटामिन ए है एक, बी कितने प्रकार के हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ प्रकार के विटामिन बी हैं, और फिर विटामिन सी डी ई और के, तो ये इतने हमारे 13 तरह के विटामिन टोटल है, जिसमें 8 तरह के तो क्या है विटामिन बी ही है। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये 8 वाला 13 वाला जो मैंने नंबर बोला ये याद रखना, इनके नाम वाम है, एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड, बायोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन में कैरेटिन इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी की बीमारी इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ चीजें हैं, अच्छे से आप इसको याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो गर्भावस्था के दौरान माताएं विटामिन B9 प्रॉपर लेती हैं तो उनको बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं बच्चों को वो होने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाता है। 50वां क्वेश्चन, हम बढ़ते हैं आगे। विटामिन डी की व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है, तो देखो 100 यूनिट्स की आवश्यकता है, याद कर लीजिए, एक आध सवाल ऐसा आ ही सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास शायद हमने पढ़ा था, ये कितना कैल्शियम चाहिए 40 mg/dL, जो हमारे मेजर मिनरल्स होते हैं वो कितने होते हैं 100 mg से ज्यादा होते हैं, ट्रेस मिनरल मतलब थोड़े बहुत जो मात्रा में लेने हैं 100 mg से कम होते हैं। वैसे एक सवाल देखो यहाँ पे आया कि भाई अगर आप डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी ढूंढ रहे हो तो कितनी है 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़े, इतनी तो विटामिन डी मिल जाए, तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से, धूप में बैठ जाओ विटामिन डी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, तो धूप में हमको समय बिताना चाहिए, नहीं कि पूरा दिन कमरे के अंदर बिता रहे हैं वो भी गलत होगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन इसलिए कहते हैं सनशाइन धूप से हमको वो प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों वड्डियों के लिए मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, देखो तीन चार चीजें बता दी, इनमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है। विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है, सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी कितना लेना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, ये देखो इसके नाम लिखे हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल,
कोलिया कोलिया कैल्सी फेरोल, देखो कैसे कैसे तो नाम है इनके खतरनाक। तो चलो ठीक है, पढ़ लेना, स्पेलिंग याद कर लेना। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टरलिटी विटामिन और नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। देखो ये कह रहा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ना, तो ये है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन से मतलब है कि जो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इंसान रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जानवर जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, विटामिन ए जो है वो एंटी स्टेरिलिटी, यानी अगर किसी को बांझपन से बचना है, वो जो शिकायतें हैं चाहे पुरुषों में चाहे महिलाओं में हो, तो वो क्या है, विटामिन ई जो है अगर भरपूर मात्रा में, मतलब विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो अगर सही इंटेक हो रहा होगा तो रिप्रोडक्शन या स्टरलिटी ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, रिप्रोडक्शन में सहायक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, पेपर में आ सकता है पूरा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, मतलब साधारण या जटिल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये दो तरह के होते हैं। कह रहे हैं कि अगर आप एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो 4 KCL प्रति ग्राम की आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये नोट्स ना आप इसमें से देख लीजिएगा। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, और वो भी 4 KCL प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन लोगे तो 4 KCAL यानी कैलोरीज में इसको काउंट कर रहा है, आपको इतनी एनर्जी जो है शक्ति प्रदान करेंगे। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उम्र के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। देखो अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हो, जिम वाले हो, या आप कोई धावक हो, आप रेस लगाते हो, या आपके शरीर में आप ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, आप बुजुर्ग हैं तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कुछ कम हो जाएगा। एज है, एज के हिसाब से किस कुछ प्रोटीन आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, किसी कंडीशन में आपको कम चाहिए होंगे। तो ये कह रहा है कि प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, और एज के हिसाब से, जगह के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से इसकी जरूरत जो है कम ज्यादा होती रहती है। फैट्स, वसे की, वसा की बात कर रहे हैं कि वसा के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी कुछ प्रोवाइड करता है तो कार्बोहाइड्रेट के बाद, कार्बोहाइड्रेट कम करता है इनफैक्ट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा मात्रा में लेना होता है, फैट ज्यादा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। 9 KCL प्रति ग्राम तक की जो एनर्जी है आपको फैट से प्रोवाइड होती है। ये एक टेबल मैं आपको दे रहा हूँ जो विटामिन और मिनरल की डेफिशियंसी से हमें डिसीजेस, बीमारियां हो सकती है, इसको एकदम याद कर लेना। विटामिन ए, फिर वही आ गई ब्लाइंडनेस, विटामिन सी डी ई के B1 है ना, मिनरल्स की भी दी है विटामिन, ये विटामिन वाली तो ऊपर वाले में भी थी, इसमें कुछ एडिशनल, लिवर डैमेज है ना, यहाँ से फॉलेट से ये प्रॉब्लम है, और आपको विटामिन B3 से पेलेग्रा की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। मिनरल्स आप देखो जरा यहाँ से पढ़ लो, वो कह रहे हैं कि भाई कैल्शियम, ऑस्टोपारेसिस, ऑस्टोपारेसिस क्या, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपारेसिस कहते हैं। क्रोमियम नहीं लोगे तो डायबिटीज जैसी कंडीशन है, कॉपर अगर कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, हड्डियों की परेशानी। आयोडीन से क्या है, गोइटर, गोइटर मैंने पहले ही पढ़ाया था, ये गोइटर देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, गाइड गोइटर होता क्या है, गोइटर देखो भैया, गोइटर डिसीज इन हिंदी हमने पहले भी निकाला था, इसको क्या कहते हैं, घेंगा। देखो फोटो दिखाता हूँ आपको, ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखनी है, ये गला इस तरीके से सूज जाता है, ये गोइटर की बीमारी है। ये किस वजह से होती है गोइटर, ये होती है हमारे एक ही वजह से, और उस वजह का नाम है आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, थकान, फटीक मतलब थकान रहता है, मैग्नीशियम की कमी से वीकनेस होती है हमको बहुत ज़्यादा, जो एक भाई ने सवाल किया था कि पसीना निकलने से क्या होता है, मैग्नीशियम का लॉस होता है भाई, इससे थकान हमको होने होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। फॉस्फोरस से हमें थकान होती है, भूख कम हो जाती है, एपेटाइट मतलब भूख, मस्कुलर हमारी मसल्स में वीकनेस आ जाती है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, जिंक का है ग्रोथ फेलियर हो जाता है, स्किन, बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने आपको शेयर कर दिया PDF के अंदर, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इन टोटल देयर आर अबाउट 19 मिनरल्स, कुल मिला के 19 मिनरल हैं, और 19 मिनरलों में से सारे मिनरल जो है अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। इन आखिरी पॉइंट के साथ यूनिट 2 का मोटा मोटा भाग जो हमने कंप्लीट कर लिया है, एक मैंने और डिसीजन लिया है कि अभी तुरंत ही, मतलब बहुत जल्दी ही मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके पेपर से स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, टॉप 100 पॉइंट्स बनाऊंगा या टॉप 50 पॉइंट्स बनाऊंगा, उन्हें पेपर से पहले जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सवाल जो है आपके पेपर में लैंड कर सकते हैं। ये PDF मैं ऐप पे डालने वाला हूँ, मैं इस ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैं हर जगह शेयर कर दूंगा, प्ले स्टोर पर जाएं, एडियो थाला भाई प्रणय डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ फ्री रिसोर्सेज। आने वाले जो आपके सेमेस्टर्स होंगे उसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ जब आप पढ़ेंगे तब भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, उसके ऊपर भी काम कर
करेंगे सब लोग मिलके। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे, डिसलाइक भी करोगे तो ठीक है, बट लाइक, आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन दिस नोट स्टे ट्यून्ड अगले जो हमारे वीडियो है उसके लिए। बाकी वीडियोस के लिंक हैं यहाँ पर, खोलिए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव देखिए, काफ़ी सारे मार्क्स आप शायद गेन कर पाएंगे। हैव अ गुड टाइम।